लिच्छवी भवन में महाडाक मेला का किया गया आयोजन। बुधवार को भभुआ लिच्छवी भवन में महाडाक मेला का आयोजन किया गया। डाक निदेशक पंकज कुमार मिश्र व डाक अधीक्षक रोहतास के अमूर सत्यरंजन एवं भभुआ डाकपाल उदय प्रकाश गुप्ता के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है, जहां कार्यक्रम में जिले के सभी जगहों से लोग उपस्थित हुए थे, जिसके बाद लिच्छवी भवन परिसर में डाक जीवन बीमा निगम बचत बैंक सुकन्या समृद्धि खाता रेकरिंग खाता टाइम डिपॉजिट खाता पब्लिक प्राइवेट फंड इंडिया पोस्ट बैंक सहित अन्य योजनाओं का स्टॉल लगाकर लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई। वहीं डाक अधीक्षक सत्यरंजन ने बताया कि डाक विभाग द्वारा एक महाडाक मेला का आयोजन किया गया है, जो इस आयोजन के माध्यम से डाक विभाग द्वारा जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं उसका लोगों के बीच प्रचार प्रसार करना है, ताकि डाक विभाग द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं उस योजनाओं को लोगों तक जानकारी दी जा सके, ताकि डाक विभाग द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं उस योजनाओं को जानकर लोग डाक कार्यालय पहुंचकर फॉर्म लेकर भर सकते हैं और इससे संबंधित जानकारी लेकर लाभ ले सकते हैं। आज डाक विभाग के द्वारा रोहतास मंडल के द्वारा ये महामेला का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का प्रायोजन है कि मुख्य रूप से हम लोग डाक विभाग द्वारा जितने भी प्रोडक्ट हैं, या जो हमारी सुकन्या समृद्धि योजना है, PPF है और RPLI, PLI यानी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होता है, जो कि बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, इन सबको प्रचार करना, लोगों तक फैलाना और उनके इसके अलावा हम लोगों की बहुत सारी अधिक प्रोडक्ट भी आई हुई है। IPPB भी हम लोगों ने साथ में उसका लिया है, उसकी अकाउंट खोलने के लिए और SBI अकाउंट खोलने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है और इस आयोजन में लिच्छवी भवन में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में जो लोग आएंगे अपना वो आधार अपडेट करा पाएंगे, उसके बाद SBI का खाता खुला पाएंगे, डाक जीवन बीमा करा पाएंगे, ग्रामीण डाक जीवन बीमा करा पाएंगे और अन्य जितने भी हमारे सुविधाएं हैं उस सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। अभी हम लोग उनको फॉर्म्स दे सकते हैं, अगर चाहे तो विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज अपने नज़दीकी डाकघर में जाके वो करा सकते हैं। क्या सर, सर नाम क्या हुआ? मेरा नाम सत्यरंजन हुआ, मैं डाक अधीक्षक रोहतास मंडल हूँ और इन दो डिस्ट्रिक्ट यानी कि रोहतास और कैमूर, इन दोनों का अध्यक्ष हूँ। ठीक है, थैंक यू। कैमूर न्यूज़ के लिए भभुआ से रवि जडेजा की रिपोर्ट। इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और कैमूर जिले की तमाम खबरें सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से कैमूर न्यूज़ ऐप को इंस्टॉल कीजिए।